गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. दिस इज मी रेनू तंबोली फ्रॉम एलपीएस. सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू डू एक्सरसाइज नंबर 2 इन आवर मैथ सब्जेक्ट. ओके, ऑन पेज नंबर 46. लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड यस, यू हैव टू लिसन टू मी बी केयरफुली. हाउ डू वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ एडिशंस? गॉट इट माई पॉइंट? स्टार्ट करते हैं. चलो. यस, एज यू कैन सी, नंबर वन, एट 120, 111 एंड 100. दैट मीन्स हमें 100, 111 और 120 को ऐड करना है. ठीक है, देखो बेटा कैसे करेंगे इसे ऐड. पहले हम 120 और 111 को ऐड करेंगे. देखो दिख रहा है क्वेश्चन में. तो इसका जो आंसर आएगा ना, उस आंसर को 100 में ऐड करेंगे. गॉट इट? समझ में आया? जो थ्री नंबर वाला है ना एडिशन विदाउट ग्रुपिंग वाला, उसके अकॉर्डिंग करना है. करें, पहले 120 एंड 111 को ऐड करना है. जो आंसर आएगा, एरो देखो ये नीचे जा रहा है, उसे यहाँ पे लिखना है. फिर जो 100 है उसमें ऐड करके इसका आंसर फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलो. जीरो और वन क्या आएगा? वन. टू प्लस वन, ऊपर टू है तो कितनी लाइन? टू. नीचे वन है तो वन लाइन मेक करनी है. नाउ काउंट इट, वन टू थ्री, थ्री आएगा यहाँ पे. यस, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू. वन में वन को ऐड किया तो आंसर आया टू. ठीक है, अब यहाँ क्या लिखना है बताओ मुझे जल्दी से. 231. राइट हियर 231. अब करो इसको सॉल्व. वन और जीरो क्या आएगा? वन का वन. थ्री एंड जीरो क्या आएगा? थ्री का थ्री. टू प्लस वन क्या आएगा आंसर? टू और वन. टू है तो टू लाइन, नीचे वन है तो वन लाइन. काउंट करो, वन टू थ्री, आंसर थ्री. समझ गए? ओके, नाउ अब देखो हमने ऐसे करके इसको कर लिया. ठीक है, रीग्रुपिंग के अकॉर्डिंग हमने ऐड कर लिया. अब क्या करेंगे, तीनों को साथ में ऐड करना है. ऐड करने पे हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं कि इनका आंसर अगर सेम आ गया तो हमारा क्वेश्चन जो आंसर आया वो सही है, और अलग अलग आया तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है. समझे? अब देखो 120 प्लस 111 प्लस 100, इसको ऐसे लिखे, साइड में लिख देते हैं. देखो, यस 120, अब इसके नीचे आएगा 111, के नीचे लिखना है 100, 100. एडिशन का साइन लगा दो. ठीक है, अब देखो 0 प्लस 1 प्लस 0, ऊपर नीचे 0 0 1 है तो 1 का 1, 2 है तो 2, वन है तो वन, लाइंस मेक करके करें. टू है तो टू लाइन, वन है तो वन. काउंट करने पे वन टू थ्री आया आंसर. डन. अब देखो इसमें लाइन मेक करने की जरूरी नहीं, कोई जरूरत नहीं है. देखो वन, वन के बाद में टू, टू के बाद आया थ्री. क्या आया? थ्री. आंसर विल बी व्हाट कम्स हियर, 331. Got it? समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी देखो 331 है, और तीनों को साथ में ऐड किया तो भी 331 आया. मतलब हमारा आंसर सेम है. लिख दो यहाँ पे 331. आप भी अपनी बुक में लिखते रहो साथ साथ में. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, एड दीज थ्री नंबर्स इन डिफरेंट ऑर्डर. मतलब जो ये देखो 120, 111 और 100 है, इन तीनों को डिफरेंट ऑर्डर में लिख के फिर ऐड करना है. पहले हम 120 और 111 को ऐड करते हैं. यहाँ लिख दिया 120, 111 अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू. ठीक है, उनके प्लेस के अकॉर्डिंग लिखना है. अब करो 0 और 1, 1 का 1, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2. अब ये जो 231 आया इसे लिखेंगे ऊपर. इजी है ना? समझ में आ रहा है? जैसे जैसे एरो हमें कह रहा है ना वैसे वैसे. अब नीचे क्या आएगा मैम? नीचे बचा 100, 100. अब ऐड करना है 1 का 1, 3 का
3 2 + 1 3 आई बात समझ में। अब देखो इधर क्या करेंगे, पहले हमने 120 और 111 को ले लिया ना, अब हम क्या लेते हैं 111 और 100 को पहले लेते हैं, 111 और 100, 1 का 1, 1 का 1, 1 + 1 2, अब ये आंसर आएगा ऊपर, आया समझ में, 211, है ना 211। अब नीचे क्या लिखोगे, क्या बच्चा 120, वो हमने नहीं लिया था ना, ऊपर जो तीन नंबर है ना वन से हमने 120 ले लिया, समझे। अब ऐड करो 101, 1 + 2 3, 2 + 1 3, समझ गए, वेरी गुड, समझ में आया। अब आ जाओ देखो, इज द सेम फाइनल, इज द सम फाइनल सेम, क्या आंसर आया सब में, 331, क्या आंसर आया। अब देखो ये क्वेश्चन कर रहा है इज द सम सेम, क्या ये सेम है सम, लिखेंगे यस इट्स सेम, ये सेम है क्योंकि सम चेंज नहीं होता है। क्यों चेंज नहीं होता है, नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, दैट मींस व्हेनेवर वी कैन एडेड नंबर्स इन डिफरेंट ऑर्डर देयर सम डज नॉट चेंज, समझे। अगर हम नंबर्स को ऊपर नीचे कैसे भी लिख के ऐड करें तो उनका जो सम होता है वो चेंज नहीं होता है, समझ गए। चलो सेकंड पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग, इसमें सिर्फ आपको ऐड करना है, ठीक है, ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखना है, ऐड करना है सिंपल वे में, लाइंस मेक करनी है, 3 तो 3 लाइन करनी है, 2 है तो 2 लाइन मेक करना है, 4 लिखा है तो 4 लाइंस बनानी है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आएगा यहाँ पे, 2 + 2 2 लाइन, नीचे भी 2 लाइन, 1 2 3 4, काउंट करने पे क्या आया 4, 2 का 2 लिखना है क्योंकि और कोई नंबर नहीं दे रखा है, समझे। अब सी वाला ले रही हूँ मैं, बी वाला आपके लिए है, ये क्वेश्चन है ना, ये जो एडिशन इट्स फॉर यू एज अ होमवर्क। सी वाला देखो, 5 लिखा है तो 5 लाइंस, नीचे 0 है तो कोई लाइन नहीं बनानी, 1 है तो 1, काउंट 1 2 3 4 5 और 6, व्हाट कम्स हियर 6, 3 लाइंस बनानी है, 1 2 3 1 2 3 4 लाइंस मेक हियर एंड 1, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर विल बी 8। 2 नंबर दिया है तो 2 लाइंस बनानी है, 5 लिखा है तो 5 लाइंस मेक करना है, 1 है तो 1 लाइन बनानी, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आया 8, 886 आंसर, समझ में आया। एडिशन बेटा देखो ये बहुत इजी है, आपको जो नंबर दिया है उसके अकॉर्डिंग लाइंस बनानी है, फिर उन सबको अच्छे से काउंट करना है, आप अपने हैंड्स की फिंगर का यूज करके भी कर सकते हो, ठीक है। और जब आप ये आंसर लिख दो ना, फिर ये जो लाइंस है वो रबर से इरेजर से आपको रिमूव कर देना है, समझे मेरी बात। सो आज के लिए इतना बहुत है बेटा, ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी ना उसमें हम एडिशन और करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, इसी पे बेस्ड होगा वो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा अलग होगा वो, इसी पे भी बेस होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे और कुछ होंगे जो कैरी वाले होंगे, एडिशन में कैरी कैसे पास आउट करते हैं आगे, कैसे कैरी वाले एडिशन करने हैं, ठीक है। सो टिल देन डू प्रैक्टिस एट योर होम, स्टे सेफ स्टे हैप्पी एंड यस डू प्रैक्टिस अबाउट डू प्रैक्टिस ऑफ दिस एक्सरसाइज एट योर होम एंड कीप लर्निंग ऑल द टाइम, सी यू सून।